दूर में दिख रहा होगा एक पहाड़, वहाँ पे काफ़ी सारे भालू रहते हैं। जैसे शाम का 6 से 7 बजता है, उसके बाद गांव में आ जाते हैं भालू। हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय जोहार, मैं हूँ दीपक और आज मैं अपना झोला बिस्तर लेके जा रहा हूँ अपने मामा के घर। और क्यों जा रहा हूँ वो आप लोग को आगे बताने वाला हूँ। और आपको मेरा अब प्रतिदिन डेली व्लॉग देखने को मिलेगा, अपना रोज का कार्य काम और कहाँ कहाँ जा रहा हूँ वो देखने को मिलेगा। तो देख सकते हो इधर धान का पूरा कटाई हो चुका है और मैं भी जीपट वाला जो कि चारमा कांके के बीच नेशनल हाईवे से पैदल 4 किलोमीटर चलते चलते आ रहा हूँ इधर। यार गाड़ी वाड़ी नहीं चलता। और हाँ, मैं बता रहा हूँ मामा के घर क्यों जा रहा हूँ। तो अभी उनके यहाँ ट्रैक्टर है जो कि चलाने वाले कोई नहीं है, तो खाली पीली हूँ। तो मेरे को जाना पड़ रहा है क्योंकि अभी खेती का सीजन है, ट्रैक्टर का काम है। अब यहीं रहना पड़ेगा, यहाँ बहुत सा दिक्कत है। सबसे बड़ी दिक्कत तो है कि यहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम है जो कि घर में नहीं बताता। अधिकतर अंदर गांव में वही कंडीशन रहता है, हर जगह अंदर नहीं बताता, कहीं गांव से या घर से दूर जाना पड़ता है नेटवर्क पकड़ने के लिए। तो मैं यहाँ पे रहूँगा तो टाइम पास के लिए डेली लोग आपको देखने को मिलेगा। चलो दोस्तों चलते हैं घर में, उसके बाद वहीं मिलते हैं और बातचीत। जब हम लोग छोटे छोटे थे तब यहाँ आते थे तो पैदल 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर चल के आते थे। यहाँ पे काफ़ी सारा काजू का बगीचा हुआ करता था। देख सकते अभी 1-2 ही काजू का पेड़ दिख रहा होगा, बाकी धान वान लगाते हैं। और ये जो कच्ची सड़क के नहीं बना था उस टाइम, ये बगीचे के बीचों बीच हम लोग पैदल आते थे। और छोटे थे तो काफ़ी अच्छा लगता था चलने भी, लेकिन जैसे जैसे सुविधा हुआ कोई लिफ्ट नहीं मिलता। देख सकते हो आगे भी कोई नहीं है ना पीछे भी कोई नहीं, पूरा सुनसान है। और वो देख सकते हो आगे घर दिख रहा है वहीं पे है। तो अब चलते हैं वहाँ पे, काफ़ी हालत बैंड हो गया, थैला बैग पकड़ के चलते चलते। दूर में दिख रहा होगा एक पहाड़, वहाँ पे काफ़ी सारे भालू रहते हैं। जैसे शाम का 6 से 7 बजता है, उसके बाद गांव में आ जाते हैं भालू। और यहाँ पे पूरे गांव में रहते हैं और सुबह 7-8 बजे यहाँ से रिटर्न होते हैं गांव से भालू। और देख सकते हैं यहाँ पे मठ है, काफ़ी सुंदर बनाया गया है, 2 ही मठ है यहाँ पे, और एक में मूर्ति भी बनाया गया है। यहाँ पे देख सकते गोबर का छेना बना है, इसको छत्तीसगढ़ी में छेना बोलते हैं। और ये ज़्यादातर चातर राज यानी कि धमतरी बिलासपुर उधर इस प्रकार से बनाते हैं गोबर को, और इसी से आग जलाते हैं। देख सकते हो यहाँ गांव पे भी बना है देखने को, काफ़ी अच्छा आग जलता है इससे। मैं एक बार का बता दूं स्टोरी मेरा यहाँ का, जब मैं एक बार यहाँ आया था मामा के घर तो भैया के साथ रात में गर्मी के दिन में अधिकतर गांव में लोग छत में सोते थे पहले, तो मैं भी छोटा था आया था भैया के साथ मैच चरा, तो इस बिल्डिंग के ऊपर सोने आते थे। भैया रात में मेरे को सुला के छत के ऊपर से मैच देखने चले गए किसी घर, और मैं यहाँ पर सोया था रात में। अचानक मेरा नींद खुला तो देखा तो यहाँ पर मेरा हालत बंद हो गया था। उस दिन मेरा पूरा हालत ख़राब हो गया था। ये देख पहुंच गए हैं अब घर, अब आपको दिखाता हूँ कैसे जाना है। क्या ट्रैक्टर में कहाँ जाओ बता, हैं रैली भाग वो ट्रैक्टर में, चल ट्रैक्टर निकाला था ना, कैसे नहा रहे हाँ जल्दी ना। अब ये है ट्रैक्टर 475 DI महिंद्रा, और रेडी है अब, फोन ऑन आएगा तो जाना है। फाइनली पहुंच गया घर में, हालात बिगड़ हो गया चलते 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 चलते।
तो दोस्तों मेरा चलते चलते सफर पहुंच गया घर। अब यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको और कहीं जाने का और क्या क्या काम करने वाला उसको आपको देखने को मिला। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। इतना में मेरे को विदा दीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, अपने भाई का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।